Good morning and assalamu alaikum children, how are you all? I hope you all are fine. So everyone take out your Urdu Kaida. Sab bachche apna nikalein Urdu Kaida hissa doim. Urdu Kaida hissa doim. Aaj ka din hai Jumerat aur aaj ki tareekh hai 3 December 2020 और आज का दिन है जुमे रात, मतलब चौथा दिन। और आज की हमारी क्या है, हमारी कोड हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए ना। सच बोलेंगे तो हमारे से हमारे माँ बाबा भी खुश होंगे, और जब हम अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे। और जो झूठ बोलता है, झूठ जो है बोलना वो बुरी बात है, तो इसलिए हमेशा क्या सच बोलना चाहिए। और आज का हमारा मज़मून है उर्दू, आज का हमारा मज़मून है उर्दू। और आज हम उर्दू में क्या पढ़ेंगे, आज हम उर्दू में पढ़ाई करेंगे हर शीन की। पहले हम शीन की पढ़ाई करेंगे और फिर हम शीन की आज कहानी भी सुनेंगे, ठीक है। चलें तो सब बच्चे अपना उर्दू कायदा निकालें, ये वाला। सब बच्चे हरिया टेक आउट योर उर्दू कायदा और अपना सफ़ा खोलें हर शीन का। आज हम पढ़ेंगे हर शीन। पहले हमने पढ़ा था सीन, के बाद शीन का भाई पढ़ेंगे शीन, जिसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 3, जिसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 3। तो आज हम पढ़ाई करेंगे शीन की, ठीक है। आज मैं आपको हर शीन के बारे में बताऊंगी कि शीन से क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग किताब से देखते हैं कि इस किताब में शीन से क्या क्या चीजें बनती है, फिर मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी, ठीक है। चले शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहर, शीशा शरबत, शीशा शेर। शेर किसको बोलते हैं, जंगल का बादशाह जो होता है उसको क्या कहते हैं, शेर। शीशा शाख, शाख दरख की टहनी को कहते हैं शाख, ठीक है, जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं जो हरे रंग की होती है, ठीक है। हरे रंग के पत्ते लगे होते हैं और होती वो ब्राउन रंग की है, ठीक है, भूरे रंग की। और शीशा शीशी मतलब कोई दवाई की शीशी को क्या बोलेंगे, शीशा शीशी। शीशा शहद, शहद जो बहुत मीठा होता है, खाने में बहुत मज़े का होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं शहद, वो भी किसे बनता है शीन से, ठीक है। शीशा शरबत, शरबत कोई भी आपका मतलब टैंग शरबत हो गया, जामिश्री शरबत हो गया, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं जो घर पे मम्मा खुद बनाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं शरबत। शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहद, शीशा शरबत। आज हम क्या पढ़ेंगे हर शीन, आज हम कौन सा हर पढ़ेंगे शीन, आज हम कौन सा हर पढ़ेंगे शीन। शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 3, शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 3, शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं 3। शीन की, शीन की क्या आवाज होती है, शीन श शीन श शीन श श श शीन श श श। अब हम पढ़ेंगे शीन से क्या क्या चीजें बनती है। सब बच्चों ने इसकी मेरे साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगी आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। और सब मैं अपने फिंगर बुक्स पे पिक्चर में रखूंगी, तस्वीर में रखूंगी, ठीक है, जो हर्फ मैं पढ़ा रही हूँ उसको आपने उसकी तस्वीर पे आपने अपनी फिंगर रखनी। शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहर, शीशा शरबत। शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहर, शीशा शरबत, शीशा शरबत। अब सब बच्चे अपनी किताब में देखें, शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहर, शीशा शरबत। कहते हैं शाम को अम्मी ने मुझे शाबाश दी, शाम को
भी शीन से मदद जब सूरज जो है ना ग्रूब हो रहा होता है, ठीक है, देखिए हल्की हल्की सूरज की रोशनी है ना, तो सूरज जब ग्रूब हो रहा होता है तो तब शाम होने लगती है, ठीक है। और शाबाश जैसे आपको आपकी टीचर भी शाबाश कहती है ना, वैसे उसकी मामा ने उसको शाबाश दी है, ठीक है। उस अपनी मामा को अच्छी सी किताब की पढ़ाई करके दी थी ना, तो उसकी मामा ने उसको शाबाश दी थी। अब हम पढ़ेंगे शीन की कहानी। तो शीन की कहानी का सफा खोलेंगे वाला किताब के आखिर में दिया हुआ ना, शीन की आज कहानी पढ़ेंगे, देखते हैं। शाहिद शाम के वक्त बाहर सहन में बैठा कहानियों वाली किताब पढ़ रहा था। देखिए कि तस्वीर में देखिए एक बच्चा है ना, उसका नाम है शाहिद। वो शाम के वक्त बाहर सहन में बैठा कहानियों वाली किताब पढ़ रहा था। किताब में बहुत मजे मजे की कहानियां थी, ठीक है। उस सबने मजेदार कहानी शेर की लगी। उसे ना सबसे मजेदार कहानी शेर की लगती है। शेर किसे बनता है? शीन से। ये आपने याद रखना कि शीन से इस कहानी में क्या क्या चीजें आती हैं। कहानी में लिखा था कि एक दिन एक शेर शिकार करने के लिए निकला। वो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसे शिकार के लिए कोई जानवर ना मिला। अब शिकार भी शीन से बनता है। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसे एक दरख्त पर शहद का छत्ता नजर आया। अब शहद का छत्ता, जो शहद की मक्खियां बनाती हैं और फिर उसमें से शहद निकलता है ना, उसको छत्ता बोलते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस आज शहद ही खाकर अपना पेट भर लिया जाए। उसने दरख्त पर चढ़कर शहद के छत्ते को हाथ मारा, लेकिन क्या ये क्या, शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। शहद की मक्खियां तो अब शहद उसको लेने नहीं थी दे रही शेर को, और शेर को भूख भी लगी थी। जब वो छत्ते को उससे हाथ लगाया शेर ने, तो शहद की मक्खियां उसके ऊपर उस पर हमला कर दिया। शेर धड़ाम से नीचे गिर गया और दुम दबाकर भागने लगा। शहद की मक्खियों ने उसका पीछा ना छोड़ा और उसे काट कर ही दम लिया। शहद की मक्खियां उसको खूब काटती हैं और उसको काट कर ही वो दम लिया कि ये हमारे घर में क्यों आई है हमें खाने के लिए, ठीक है, शेर क्यों आया। शेर ने तौबा की और आइंदा शहद के किसी छत्ते को कभी नहीं छेड़ेगा, ठीक है। जो शेर होता ना वो शहद की मक्खियों को सॉरी बोलता है, ठीक है, किसी भी शहद की मक्खियों का छत्ता नहीं छेड़ूंगा। तो अब बताएं शेर से क्या क्या बनता है। शेरशा शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहद, शीशा शरबत, शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहद, शीशा शरबत। ये अपने घर में भी इसकी पढ़ाई करनी है और आवाज के साथ, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपसे ये इसकी पढ़ाई सुनूंगी, ठीक है। सबने घर के काम में इसकी पढ़ाई करनी है। शीशा शेर, शीशा शाह, शीशा शीशी, शीशा शहद, शीशा शरबत, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।